इसके प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर, कॉलेज रोड, रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर, नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज रीवा में थी। यहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा में बीएसपी के प्रत्याशियों के लिए जहां एक और वोट मांगा, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जमकर कोसा। ईवीएम को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की जमकर तारीफ की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का साफ तौर से कहना था, बीएसपी जब से कमजोर हुई है तब ईवीएम से वोटिंग होने लगी, उसके पहले बैलेट पेपर से जब वोटिंग होती थी तो हमारा वोट कोई खरीद नहीं सकता था, हमारा वोट कोई बदल नहीं सकता था, लेकिन जब से ईवीएम आई है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मायावती का साफ तौर से कहना था, आप लोग 17 तारीख को वोट डालने जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, ईवीएम कभी भी खराब हो सकती है, रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। आइए आपको सुनाते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भाषण के दौरान क्या कुछ खास बातें कही। और हमने यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने मध्य प्रदेश स्टेट के हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेल कर अपनी पूरी जिंदगी या खास कर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा हमारी सहयोगी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी उम्मीदवारों को उनके आरी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है। और इसके लिए आप लोगों को अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो बड़ी संख्या में मुझे सुनने के लिए आई हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही आप लोगों का ये भी पूरा पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपकी अपनी दोनों पार्टियों का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी फिर सहयोगी पार्टी को भी कामयाब बनाने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री राम जी गौतम व इनके अन्य और साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।